press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सिमरन बताइए, बोलिए। उत्सव में ही, you know, the stepping stone, जब friendship की शुरुआत हुई थी, what do you want to say about it? कि I think उस वक्त तो चंदे की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम हुई थी, जो दोस्ती शुरू हुई इस गाने में, बट बाद में होके कंप्लीट होती है हम दोनों के बीच में। ओके, बट ये गाना कहीं ना कहीं हमें रिकॉल, मतलब बोलते ना, एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग भी देता है, जब बाजीराव मस्तानी की अगर बात करते हैं, जो वो आरती कर, वी हैव दैट थिंग, तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? राइट, यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि वही सॉर्ट ऑफ सेम कल्चर पोर्ट्रे किया जा रहा है, अलोंग विद दैट इन्होंने नवारी साड़ी पहनी है, यू नो, एंड द कलर्स, उसके जो रंग हैं वो सब निखर के आ रहे हैं, सो आई थिंक वो सिमिलैरिटीज होंगी। आई विल ऐड समथिंग टू दैट, जो जिस औरत ने पीसी की साड़ी ड्रेप की थी बाजीराव मस्तानी के 190 डेज के लिए, वही आई थी मेरी साड़ी ड्रेप करने के लिए, और उसने मुझे बाजीराव मस्तानी के टाइम पे, जब मैं असिस्टेंट थी, मुझे बोला था कि ए सरवली, जब तू पहली पिक्चर करेगी मैं आएगी तेरी साड़ी बांधने। तो आई वाज लाइक कि आओ, मैं साड़ी कहाँ पहनूंगी अपनी पहली पिक्चर में? पता लगा कि मैं नौवारी साड़ी पहन रही हूँ मेरी पहली पिक्चर में, और उसको ये आके बांधना पड़ा, तो मैं बहुत खुश थी। ओके, ट्रेलर को जिस तरीके से रिस्पांस मिला, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट, मतलब काफी लोगों ने पसंद किया, कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने एज यूजुअल क्रिटिसाइज भी किया, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई मीन ऑलवेज ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनको ना पसंद है और कई लोग ऐसे होंगे जिनको पसंद है, बट आई थिंक कि हमें एक किताब को उसके कवर से जज करना नहीं चाहिए, एंड आई थिंक जब पिक्चर रिलीज होगी और लोग जाके देखेंगे, तो वो यू नो, उसके बाद अगर आप कुछ कहें तो फिर मैं समझूं, बट यू नो, डोंट जज इट बिफोर द मूवी रिलीजेस, और जब एक बार आप देख लें, काम 25 है, बट आई थिंक यू नो, एक बार आप पिक्चर देखें, आप देखेंगे हमने कितनी मेहनत और कितने प्यार से बनाई है, एंड आई एम श्योर दैट एवरीवन विल लव इट। हेलो, दिस इज साक्षी। ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म दोनों हमेशा आएंगे, या तो ट्रेलर पे आएंगे, या तो पिक्चर पे आएंगे, या तो गाने पे आएंगे, हमको दोनों सुनने चाहिए, और जो हमें उस जरूरत है उसमें से लेके आगे बढ़ना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। आप अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म है तो, अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पॉजिटिव है तो हम बहुत खुश हैं।